नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोदी सरकार पर नमो टीवी के बहाने बरसने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल खुद एक चैनल चलाने को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं। कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी पर तिरंगा टीवी चैनल से करीब 200 कर्मचारियों को बिना सैलरी दिए निकाले जाने के आरोप लग रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। भड़की बरखा दत्त ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कपिल सिब्बल पर गंभीर आरोप लगाए। एक ट्वीट में बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते हुए कहा, कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी के चैनल तिरंगा टीवी में भयावह स्थिति है। 200 से ज्यादा कर्मचारियों को 6 महीने की सैलरी दिए बिना ही निकाल दिया गया है। वो व्यक्ति जो खुद को समाज में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, उसने पत्रकारों के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया है। बरखा दत्त ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि इस टीवी चैनल से जुड़े कई लोगों ने कपिल सिब्बल और 2 साल तक चले इस न्यूज चैनल में आने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन चैनल बंद होने को लेकर पति पत्नी ने स्टाफ से बात तक नहीं की, जबकि सभी लाइव प्रोग्रामिंग को 48 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया। सिब्बल की पत्नी जो एक मीट फैक्ट्री चलाती थी, उन्होंने ऑफिस में तेज आवाज में कहा कि मैंने मजदूरों को एक भी पैसा दिए बिना अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। पत्रकार 6 महीने की सैलरी मांगने वाले कौन होते हैं? उनके मजदूरों को भी सही भुगतान मिलना चाहिए था, लेकिन पत्रकारों के लिए सिब्बल की पत्नी की अपमानजनक भाषा काफी घिनौनी है। बरखा दत्त के गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल की तुलना भगौड़े विजय माल्या से कर दी। एक ट्वीट में बरखा दत्त ने लिखा, मुझे बताया गया कि कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी ने स्टाफ को मोदी का बहाना बनाकर नौकरी से निकाला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी चैनल नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। पति पत्नी ने स्टाफ को फेस तक नहीं किया और छुट्टियों पर लंदन चले गए, जिसके कारण मैं उन्हें माल्या कहने को मजबूर हो गई हूं। परखा के ट्वीट के मुताबिक इधर सैकड़ों कर्मचारी नौकरी को लेकर संकट में फंसे हैं, उधर कपिल सिब्बल अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए हैं, इसलिए उन्होंने सिब्बल की तुलना भगौड़े विजय माल्या से कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल पर धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बरखा ने एक और ट्वीट में कहा, पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ने पर मुझे धमकी दी गई। मुझे कहा गया कि आप सिब्बल को माल्या से तुलना करने वाला ईमेल को वापस लीजिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं तिरंगा टीवी के स्टाफ का समर्थन करती हूं और कानूनी तौर पर लड़ने के लिए उनकी मदद करती रहूंगी। पत्रकार आदित्य राज कौल ने भी ट्वीट कर कहा, कपिल सिब्बल अगर दुकान बंद करना चाहते हैं तो उन्हें सफाई देने और सभी 200 कर्मचारियों को 6 महीने का वेतन भुगतान करने की जरूरत है। मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कांग्रेस को छुट्टी मना रहे कपिल सिब्बल को नोटिस देकर बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि पत्रकारों को परेशान करना बंद करें। पत्रकार रोहित सरदाना ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा है, बरखा दत्त कपिल सिब्बल न्यूज चैनल की गाथा एक क्लासिकल केस स्टडी है कि कैसे एक राजनेता ने प्रचार के लिए पत्रकारों का इस्तेमाल किया और उनकी पार्टी के चुनाव हार जाने के बाद उन्हें बाहर फेंक दिया। मुझे आशा है कि पत्रकार संगठन, मीडिया संगठन और फेडरेशन ऑफ एडिटर्स के चैंपियन इसके खिलाफ खड़े होंगे। तिरंगा टीवी से निकाले गए कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता सिब्बल और उनकी पत्नी के खिलाफ दिल्ली प्रेस क्लब में प्रदर्शन भी किया था और बिना नोटिस पीरियड दिए कर्मचारियों को निकाले जाने का आरोप लगाया। इन कर्मचारियों के समर्थन में उतरी वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त लगातार कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर हमलावर हो रही हैं। हालांकि कपिल सिब्बल की ओर से बरखा के इन तमाम आरोपों पर खबर लिखे जाने तक कोई ट्वीट नहीं किया गया। उन्होंने आखिरी ट्वीट 12 जून को किया था।